Hi students, this is KD sir from Shivam Education. Good morning everybody, right? तो last video में हम लोगों ने exercise 3.7 chapter 3 का class 10 maths का हम लोगों ने question number 1, 2, 3, 4 किया था, right? तो अब आज हम लोग आगे करने वाले हैं 5, 6, 7, 8 we will try to complete today in this video, okay? तो please watch this video फुल्ली, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करना, हमारा मेथड पसंद आए तो बहुत शेयर करना, सो दैट सारे बच्चों को बेनिफिट मिले इस मेथड का, राइट? और प्लीज़ सब्सक्राइब करना अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन प्रेस करना सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अवर वीडियो. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 3.7, राइट? इन ट्राइंगल एबीसी एंगल सी इज इक्वल टू एंगल 3 angle B, or 3 times angle B is equal to 2 angle A plus B. Find the 3 angles. Now, in triangle ABC, right, we know that angle A plus angle B plus angle C is equal to 180. Right? This is proven. Okay. Now, here, given kya hai? Angle C is equal to 3 times angle B is equal to 2 टाइम्स एंगल ए प्लस बी. बराबर है. चलो एक काम करते हैं, सी इज इक्वल टू 2 बी लिखते थे, राइट? सपोज इक्वेशन नंबर 1 में, तो यार देन एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 3 एंगल बी इज इक्वल टू 180, राइट? देन A प्लस बी इज इक्वल टू 3 एंगल ए बी इज इक्वल टू 180. अब ये हो गया. अब ये कितना हो जाएगा? एंगल A प्लस एंगल 4 बी इज इक्वल टू 180. इक्वेशन नंबर 1 बना लेते इसको, राइट? अब दूसरा क्या है? एंगल C इज इक्वल टू 2 एंगल A प्लस बी लेते हैं. नाउ एंगल C इज इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस बी, राइट? तो ये वाला लेते हैं. तो ये अगर हम पुट करते हैं तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 2 एंगल ए प्लस एंगल बी, राइट, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180, राइट? अब ये हो जाएगा 2 एंगल ए, राइट? ये एंगल ए वही रहेगा, एंगल बी 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी is equal to 180. So this will become 3 angle A, 3 angle B is equal to 180. 3 common ले लेते हैं. Angle A plus angle B is equal to 180 upon 3. क्या आएगा ये? Angle A plus angle B is equal to 60. Equation number 2. A पहला वाला equation क्या है? A plus 4B is equal to 180. A plus B is equal to 60. चलो by elimination method, right? Elimination method. तो क्या करने का? Subtracting one equation one from two, ऐसा लिख देते हैं, right? Angle A plus angle B is equal to 60. Angle A plus 4 angle B is equal to 180. अब देखो सेम साइन है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, राइट? दिस विल गिव माइनस 3 एंगल बी, और ये कितना मिलेगा? माइनस 120. तो एंगल बी इज इक्वल टू 120 अपॉन, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 40. एंगल बी इज इक्वल टू 40. पुटिंग दिस वैल्यू इन एंगल सी इज इक्वल टू 3 टाइम एंगल बी, तो एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो गया? 3 फॉर द 120. एंगल सी इज इक्वल टू 120 हो गया. अब तो 120 है और ये 40 है, राइट? तो एंगल ए क्या होगा? एंगल ए प्लस 40 प्लस 120 इज इक्वल टू 180, राइट? तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 160, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 20, राइट? सो देयरफॉर फाइंड द एंगल्स, है ना? देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 20, एंगल बी इज इक्वल टू 40, एंगल सी इज इक्वल टू 120. बस आपको इतना ही करना है. इजी सम है, राइट? अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आ जाएगा. ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट सम. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6
draw the graphs of the equation 5x minus y is equal to 5 and 3x minus y is equal to 3. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the y-axis. Now students, मैं ये आप एक टेबल बना सकता हूँ जैसे पहले बताया हुआ है राइट एक्सरसाइज में टेबल्स बना सकता हूँ. आई विल ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ ऑन दिस ग्रीन बोर्ड ऑल्सो बट इट इज ऑलवेज नॉट गोइंग टू बी प्रिसाइज परफेक्ट आने वाला नहीं है. तो आपको ये जो ग्राफ है अपने ग्राफ पेज में ग्राफ बुक में दौड़ना है राइट. प्लीज प्रैक्टिस ऑन ग्राफ पेपर ओनली, डू नॉट प्रैक्टिस ऑन दी सिंपल पेज. ओके, रूल लाइन में मत करना. चलिए तो यार 5x minus y is equal to 5, equation 1, or 3x minus y is equal to 3, equation 2, right? Now, equation 1 ले लेते हैं, 5x plus, 5x minus 5 is equal to y, 5 इधर आ जाएगा, y उधर जाएगा, therefore, y is equal to 5x minus 5. ये हमारा इक्वेशन राइट. अब इससे हमको बॉक्स बनाना है, बना लेते हैं कम से कम चार पॉइंट. वाई हमारा यहां पे सब्जेक्ट है तो आपको एक्स का वैल्यू डालना है. एक्स इक्वल टू क्या करना है, पहले जीरो लेते हैं. सपोज एक्स इक्वल टू जीरो तो वाई इक्वल टू क्या आएगा, वाई इक्वल टू फाइव जीरो माइनस फाइव, माइनस फाइव आ जाएगा. एक्स इक्वल टू वन राइट तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, 1 माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा. तो x इक्वल टू 1 लूंगा तो ये 0 होगा. x इक्वल टू 2 लेते हैं तो x इक्वल टू 2 लूंगा तो 5 टू जा 10 माइनस फाइव क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे 5 आ जाएगा. अब हमको क्या करना पड़ेगा कि और बहुत बड़ा नंबर लेंगे तो नंबर बड़ा हो जाएगा. 5 3 जा 15 तो 10 हो जाएगा. तो माइनस 1 लेते हैं राइट. तो x इक्वल टू माइनस वन लेते हैं, 5 माइनस वन माइनस फाइव, फिर भी क्या हो जाएगा, ये माइनस 10 में चला जाएगा राइट. तो यहाँ पे 2 लिया था तभी ये आया 5, अब ये माइनस 1 लूंगा तो ये बन जाएगा माइनस 10 राइट. अब ये ट्राई करेंगे हम लोग, दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं. नाउ क्या है, 3x माइनस वाई तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई राइट. यहाँ पे यहाँ क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा. तो ये 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई मतलब y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 राइट. सेम वे अब y हमारा सब्जेक्ट बनेगा और फिर हम लोग को क्या करना है, x और ये y राइट. हम लोग इसका x का वैल्यू डालेंगे और ये, तो लेट अस सी, x इक्वल टू जीरो डालते हैं, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 3, तो जीरो आया तो क्या हो गया माइनस 3 आ गया राइट. फिर उसके बाद x इक्वल टू 1 डालेंगे, y इज इक्वल टू 3 1 माइनस 3 तो जीरो हो जाएगा, 1 मतलब ये जीरो हो गया. x इक्वल टू 2 डालते हैं, 3 2 जा 6, 6 में से 3 है तो ये प्लस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 3. और x इक्वल टू माइनस 1 डालते हैं, 3 माइनस 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 6 राइट. तो ये हो जाएगा माइनस 6. अब नाउ लेट अस ड्रॉ द ग्राफ. अब हमने ये देखा, पहले आपको बताया जैसे राइट, आपको x और y एक्सिस देख लेना है राइट. यहां पे अगर देखो तो y एक्सिस में माइनस 10 तक है राइट, और x एक्सिस में तो 5 तक है. तो यहाँ पे माइनस 10 है मतलब थोड़ा सा लंबा ड्रॉ करना पड़ेगा आपको. Let us have this thing, right? Okay. एक काम करते हैं, right? यहाँ पे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस एट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन, और ये हो जाएगा 0 0 राइट. अभी यहाँ पे 8 तक है, मैं तो बोलता हूँ थोड़ा सा एक्सटेंड कर ही लेते हैं. ये माइनस 9 होगा और ये माइनस 10 सपोज राइट. यहाँ तक ले लेते हैं पहला वाला, 0 माइनस 5. 0 माइनस 5 मतलब क्या होगा, 0 माइनस 5 आएगा यहाँ
राइट, लिख दीजिए 0 माइनस 5। नेक्स्ट 1 पे 0 मतलब ये 1 ऐसे ही आएगा। फिर उसके बाद 2 पे 5 ये हो जाएगा 5, दैट इज दिस वन, राइट ओके। फिर उसके बाद -1 पे 10, -1 पे क्या हो जाएगा -1, राइट, -5 -10 -1 पे 10, अच्छा राइट, -1 पे 10 क्या आएगा, इधर आएगा 8 9 10, दिस इज द थिंग। तो ये जो लाइन है यहां पे -1 है तो ये 10 ही आएगा। तो ये जो लाइन है देखिए यूं जाएगा, राइट। लेट अस स्किप दिस, स्ट्रेट तो है नहीं, मैंने इसीलिए बोला था आपको ये स्ट्रेट रखा मैंने। अब दूसरा लाइन ले लेते हैं 0 पे -3, ये आ गया -3, राइट। अब 1 पे 0 देखिए ये हमारा कोऑर्डिनेट सेम कोऑर्डिनेट, 2 पे 3 तो दिस इज द थिंग, राइट। नाउ अब ये हो जाएगा -1 पे 6 मतलब -6 एरिया, राइट, यहां पे ये वाला देखिए ये लाइन यू जाएगा, सॉरी दिस इज द थिंग, राइट। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 1 0 इज द कोऑर्डिनेट, राइट, 1 0 दोनों में सेम आया, तो क्या पॉइंट किया उनको। सो अभी ये हाँ, तो अभी हमको ये देखना है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइंस। में देखिए ये आपका ट्राइंगल हुआ, राइट, तो 0 1 0 देन 0 माइनस 3 ये वाला और 0 माइनस 5, राइट, देयरफॉर आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइंगल, राइट ओके। ये हो गया, नेक्स्ट क्या फाइंड करने का बोला है सर कि बाय दिस लाइंस एंड द वाई एक्सिस के साथ था ना, तो वाई एक्सिस के साथ ये वाला था और हमारा ये आंसर आ गया, ओके आई होप यू अंडरस्टूड। ये इस तरह हमको करना है, वाई एक्सिस के साथ ये दो लाइन का ट्राइंगल कौन सा बनता है, ये वाला। लास्ट टाइम एक बार हमने किया था एक्स एक्सिस के साथ, अभी बोला है y एक्सिस के साथ, ओके। सो दिस इज सपोज a, दिस इज b, c, तो ट्राइंगल ए बी सी लिख सकते हैं, डन, ठीक है, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नाउ जब भी आपको इस तरह दे हैं तो पहले तो आपको रूल्स पता होना चाहिए, रूल्स अगर पता है तो फिर आपके लिए सब इजी हो जाएगा। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, राइट, एंगल ए प्लस एंगल सी ऑपोजिट एंगल्स, राइट, इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 180। सिमिलरली तो एंगल ए प्लस सी तो मतलब क्या हुआ देखिए जरा, 4y + 20 - 4x इज इक्वल टू 180। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, -4x + 4y इज इक्वल टू 180 - 20 -4x + 4y इक्वल टू 160, 4 से डिवाइड कर दो, राइट, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा -x + y इक्वल टू 40, डन, इक्वेशन नंबर 1, बस यही तो चाहिए हमको, राइट। अब लेफ्ट वाला ले लेते हैं, एंगल बी प्लस एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, ओके, चलो इसका वैल्यू डालते हैं 3y - 5 - 7x + 5 इज इक्वल टू 180, वापस -7x - 3y - 5 - 5 कट हो जाएगा इज इक्वल टू 180, राइट, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको, इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास, राइट ओके। नाउ कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 और 2, राइट, तो ये 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/7 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 2, राइट, चलो -7x + 3y इज इक्वल टू 180, ये हो जाएगा -7x और +7y इज इक्वल टू 280,
ये माइनस का प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, ये तो कट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस फोर वाई, ये हो जाएगा माइनस हंड्रेड। तो y इज इक्वल टू माइनस हंड्रेड अपॉन माइनस फोर, y इज इक्वल टू 25। एक आ गया, बस इसका वैल्यू डालो, आपको सब आंसर मिल जाएंगे। लेट अस सी पुटिंग दिस वैल्यू, वैल्यू इन इक्वेशन, कौन सा वाला है, माइनस एक्स प्लस 25 इज इक्वल टू 40, माइनस एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 25, माइनस एक्स इज इक्वल टू 15, एक्स इक्वल टू माइनस 15 है, राइट। तो ये हमारा सेकंड आंसर, ओके कैटी, ये हमारा फर्स्ट आंसर ये अगर, लेकिन हमको क्या फाइंड करना बोला है, एंगल्स फाइंड करना है। तो बस लेट स्टार्ट, यार एंगल ए इज इक्वल टू क्या दिया है, 4y प्लस 20, 4 इंटू 25 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो गया 120। एंगल बी इज इक्वल टू कितना है, 3y माइनस 5, 3 इंटू 25 माइनस 5 दैट इज 70, राइट। अब सी इज इक्वल टू माइनस 4x, माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू माइनस 15 इज इक्वल टू 60, बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फोर्थ डी इज इक्वल टू माइनस 7x प्लस 5, ओके तो माइनस 7 इंटू माइनस 15 प्लस 5 कितना आएगा, 105 प्लस हो जाएगा, प्लस तो 110, ओके ये टोटल करके देख लो आपको आ जाएगा कितना आएगा, ये 110, 170, 240, फिर 360 हो गया ना, तो एक क्वाड्रिलेटरल का टोटल 360 होना चाहिए, हो गया राइट, ओके। सो स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड सम नंबर 5, 6 एंड 8, 7 में चार सम्स हैं, आई थिंक 4-5 सम हैं, तो वी मे डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो और वी मे मर्ज इट, राइट। तो ये प्रैक्टिस कर लो तब तक, राइट। तो लेट्स बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो, और अगर ये पसंद आया, वीडियो पसंद आया, ये मेथड पसंद आए, तो प्लीज़ शेयर करो, प्रैक्टिस करो अच्छी तरह से, ओके बाय।